हेलो फ्रेंड्स, मैं रिडेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम छत्तीसगढ़ के पंचायती राज के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारा लास्ट पार्ट है, ये सातवां पार्ट है। याद रखिए, पंचायती राज आपको पढ़ना है तो बढ़िया पार्ट वाइज आपको देखते चलना है। पंचायती राज कब ये जो है स्टार्ट हुआ, पूरा बैकग्राउंड के साथ यहाँ पूरा पढ़ाया गया है। तो बढ़िया इसको पार्ट वाइज आपको देखना है, पार्ट वन पार्ट टू ऐसा करके, तो यहाँ पर पूरा कवर हो जाएगा। चलिए सेशन बढ़ाते आगे है, लास्ट पार्ट है। कल से हम छत्तीसगढ़ के साहित्यकार, छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में आपको पढ़ा जाएगा, जो कि आपके जो है सिलेबस पे आपका सभी एग्जाम में सिलेबस में आपका दिया हुआ है। चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, प्री चाहे मेंस हो, चाहे छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम हो, व्यापम, पुलिस कांस्टेबल, मतलब शिक्षा कर्मी हो, मतलब सभी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मतलब छत्तीसगढ़ के जीएस आपको हर एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो 85 क्वेश्चन तक हम पहुँचे थे। पंचायती राज संस्थाओं में मुख्य रूप से किसका प्रतिनिधित्व रहता है? पिछड़ा वर्ग, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पंचायती राज संस्थाओं में मुख्य रूप से जो है किसका प्रतिनिधित्व रहता है, तो पिछड़ा वर्ग भी रहता है, महिला का भी इसमें रहता है, और अनुसूचित जनजाति जाति जनजातियों को भी, मतलब उपरोक्त सभी जो है इसमें प्रतिनिधित्व रहता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लोकसभा सदस्य किस स्तर के पंचायत के मनोनीत सदस्य होते हैं? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत, या आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लोकसभा यहाँ पे सदस्य आपके किस स्तर के पंचायत के मनोनीत सदस्य होते हैं, तो याद रखिएगा, तो जिला पंचायत के जो मनोनीत सदस्य जो है आपका लोकसभा जो सदस्य जो है यहाँ पे जो है किस स्तर के पंचायत के मनोनीत सदस्य होते हैं, तो जिला पंचायत के मनोनीत सदस्य इसमें होते हैं। मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे विधायक जो है पंचायतों में किस स्तर पर सदस्य मनोनीत किए गए हैं? जनपद तथा जिला पंचायत, केवल जिला पंचायत, या आपके ग्राम व जनपद पंचायत, या आपका ग्राम पंचायत। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो विधायक होते हैं आपके, जो विधायक होते हैं पंचायतों में किस स्तर पर सदस्य मनोनीत किए गए हैं, तो याद रखिएगा जनपद तथा जिला पंचायत में यहाँ पे विधायक पंचायतों में इस स्तर पर यहाँ पे सदस्य मनोनीत किए गए हैं, जनपद और जिला पंचायत में। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता होगा आपके विधायक हुए हैं तो सभी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति की मंजूरी के पंचायत में, पंचायत जो है राष्ट्रपति के मंजूरी के जो पंचायत यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र जो क्षेत्र विस्तार है, इस अधिनियम पारित हुआ, इसे किस नाम से जाना जाता है? पेशा, पेटा, टीएसपी, या आपका यहाँ पे पीटीसी, एक नाम से इसको जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इसको जो है पेशा के नाम से इसको जाना जाए। पेशा कहाँ कहाँ पे लागू होते हैं, कि आपके जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हो गए, यहाँ पे कल भी बताया था पेशा कहाँ कौन कौन से राज्य में लागू था, इसको भी मैंने बताया था। तो इसको जो है 24 दिसंबर 1996 कल बताया था, इसको 1996 में यहाँ पे राष्ट्रपति के मंजूरी के पंचायत के लिए यहाँ पे अनुसूचित जहाँ पे क्षेत्र विस्तार के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया है, इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको पेशा के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा पेशा के बारे में बात करते हैं यहाँ। तो जो आपका जो पेशा एक्ट है, इस एक्ट जो है आपका 1996 में जो है इसको लाया गया है। क्यों लाया गया है, तो जितने भी जो अनुसूचित क्षेत्र यहाँ पे आदिवासी लोगों के लिए यहाँ पे उनके समस्या का निवारण करने के लिए यहाँ पे है, खास करके इस पेशा एक्ट को इसको लाया गया है। अगर हम देखेंगे भारत में 10 राज्य, याद रखें कितने राज्य, 10 राज्य में जो है पेशा एक्ट को लागू किया गया है, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ऐसे करके यहाँ पे 10 राज्य में यहाँ पे जो है पेशा एक्ट को यहाँ पे लाई गई है। तो आप समझ गए होंगे इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे जिला पंचायत के सभापति किस तरह से चुने जाते हैं? जिला पंचायत के जो सभापति होते हैं किस तरह से इनका चुनाव होता है, इनका चुने जाते हैं? तो सीधे निर्वाचन से, सदस्यों के मध्य से, या आपके विधानसभा द्वारा मनोनीत संयोजन से, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, तो जिला पंचायत में जो सभापति का जो इनका जो चुनने जाने का जो प्रोसेस होता है यहाँ पे, सदस्यों के मध्य जो माध्यम से इनका
यहाँ पे सभापति का चुनाव होता है, मतलब भी आपसे यहाँ पे जितने भी सदस्य होते हैं जिला पंचायत में उनके द्वारा ही इनका यहाँ पे चुना जाता है, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिला पंचायत में पदेन सदस्य के रूप में कौन रहते हैं, विधायक, सांसद, राज्य मंत्री या विधायक व सांसद सदस्य? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए जिला पंचायत में जो पदेन सदस्य के रूप में कौन रहते हैं, तो इसका आंसर सभी को पता हो, या तो विधायक होंगे या जितने भी सांसद के जो सदस्य होते हैं जिला पंचायत में पदेन सदस्य के रूप में आपका रहते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ, यहाँ पे पंचायत के प्रत्येक पदाधिकारी और उसके सेवक भारतीय दंड संहिता जो है 1980 की धारा 21 के तहत क्या माने गए हैं, जनसेवक, लोक सेवक, निजी सेवक या आपके पंचायत सेवक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें पंचायत के जो प्रत्येक जो पदाधिकारी और उसके जो सेवक होते हैं, तो इस भारतीय दंड संहिता जो 1980 के धारा 21 के तहत यहाँ पे लोक सेवक के रूप में इनको माने गए हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत किनके स्वशासन के अधिकारों को मान्यता मिली है, अनुसूचित क्षेत्र के पंचायतों को, समस्त पंचायतों को, हरिजन जाति बाहुल्य पंचायतों को या पिछड़ा क्षेत्र के पंचायतों को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पंचायत में अनुसूचित क्षेत्र विस्तार प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत किनके स्वशासन के अधिकारों को मान्यता मिली है, तो अनुसूचित क्षेत्र के पंचायतों के यहाँ पे अधिकारों को यहाँ पे मान्यता यहाँ पे मिलती है, इसको याद रखिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे चुनाव में नामांकन पत्र भरने की अनिवार्य शर्तों में एक है कि वह इनका सदस्य हो, ग्राम सभा का, ग्राम पंचायत का, जिला पंचायत या आपका जनपद पंचायत या इनमें से कोई नहीं। जैसे चुनाव में जैसे नामांकन पत्र भरता है सभी जानते हैं, तो चुनाव में जैसे नामांकन पत्र भरने के जो अनिवार्य शर्तों में एक है कि वह आपका सदस्य, किसका सदस्य हो जो कि आपके चुनाव में नामांकन पत्र भरने की या आपका जो है अनिवार्य शर्त यहाँ पे रखी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चुनाव में नामांकन पत्र भरने के जो अनिवार्य शर्तों में एक है कि इनका जो यहाँ पे ग्राम सभा का जो सदस्य होना है इसके लिए यहाँ पे जरूरी है, तभी जो जैसे ग्राम सभा का आप जो सदस्य है तभी आपको जो नामांकन पत्र भरने की यहाँ पे अनिवार्य शर्त है, तो ग्राम सभा का होना यहाँ पर जो इनका जो सदस्य होना बहुत ही जरूरी, तभी आप यहाँ पे नामांकन पत्र जो यहाँ पे जैसे पंच सरपंच के लिए यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ग्राम सभा के बारे में जो है कौन से अनुच्छेद में बताई गई है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 243 धारा 6-7 में यहाँ पे बताई गई है, मतलब 243A में यहाँ पे ग्राम सभा के बारे में है, पंचायती राज व्यवस्था के बुनियादी इकाई इसको कहा है ग्राम सभा को। 73वें जब इस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 का में यहाँ पे प्रतिस्थापित किया गया है, ग्राम पंचायतों का अधीन जो है आपका प्रत्येक ग्राम आश्रित ग्राम में यहाँ पे ग्राम सभा होगी, ऐसे करके यहाँ पे बताई गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रशासन में पंचायतों का क्या संबंध है, शासन में पंचायतों का क्या संबंध होता है, सरकार के कामकाजों में सहायता, कुछ भी नहीं, यह एक संगठन है जो कि केंद्रीय सरकार के कानून के अनुसार काम करने वाले हैं या मात्र संवैधानिक स्थापना है? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होता है। शासन में पंचायतों का क्या संबंध होता है, तो ये एक तरह के यहाँ पे सरकार के कामकाज में एक तो सहायता देना इसका मुख्य कार्य होता है, हेल्प करना सरकार का, इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। तो अगर देखेंगे भाग 9 में, याद रखिए कौन सा भाग 9 में जो यहाँ पे आर्टिकल जो अनुच्छेद 243B अखा में पंचायतों के गठन किया गया है, अनुच्छेद 243C अगा में पंचायतों की संरचना के बारे में यहाँ पे बताई गई है, तो इसको बढ़िया इस जो पहला पार्ट को देखिएगा वहाँ पे पूरा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे निम्न में से कौन जो है डाक पत्र के द्वारा मतदान कर सकते हैं, निम्न में से कौन जो है डाक पत्र के द्वारा मतदान कर सकते हैं, ईमेल के उपयोगकर्ता, चुनाव ड्यूटी में लगे जो सदस्य होते हैं ये लोग, या विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक, या जिनके नाम से निर्वाचन नामावली में नहीं हुए, मतलब यहाँ पे कौन से जो व्यक्ति हैं जो डाक पत्र के द्वारा मतदान कर सकते हैं यहाँ पे बोला गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैसे डाक पत्र के द्वारा मतदान कौन कर सकता है, तो ये जो अधिकार है किसको होता है, तो चुनाव ड्यूटी में जो लगे सदस्य होते हैं उनको है, ये आपका अधिकार है। मतलब वो जो है आपका डाक पत्र के द्वारा मतदान यहाँ पे कर सकते हैं, चुनाव ड्यूटी में लगे सदस्य को ये अधिकार होता है। तो इसको याद रखिएगा, तो कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बजट जो है, बजट जो आप पता होगा आपको बजट, तो बजट जो है हर साल आते हैं, तो इसी तरह जो बजट कितने यहाँ पे प्रश्नों में यहाँ पे तैयार किया जाता है, एक प्रतियों में, दो प्रतियों में, तीन प्रतियों में या आपका चार प्रतियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे याद रखिएगा, तो बजट जो है आपके जो है मतलब ये आपका चार प्रतियों में तैयार यहाँ पे किया जाता है। जो बजट साल में जो निकलती है, चाहे केंद्र का हो स्टेट का हो, चार यहाँ पे प्रतियों में तैयार किया जाता है बजट के बारे में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे बजट बनाने में, बजट बनाने में ग्राम पंचायत की किन किन समितियों का योगदान इसमें रहता है, जो साल में आपका जो बजट होती है इसमें, तो यहाँ पे ग्राम पंचायत के क्या इसमें योगदान या इनके जो योगदान है, इनका जो है कौन से समितियों का योगदान रहता है, केवल सामान्य समिति, सभी समितियों का, ग्राम पंचायत का या केवल ग्राम सभा का। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बजट बनाने में जो है ग्राम पंचायत के किन किन समितियों का योगदान होता है, तो आपके जो ग्राम पंचायत में जितने भी जो समिति होते हैं इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है बजट प्रस्तुत करने में सरकार के लिए, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यदि कोई ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत निर्देश का पालन नहीं करती, यदि कोई ग्राम पंचायत, एक मिनट, यदि कोई ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत निर्देश का पालन नहीं करती है, तो ऐसा कार्य स्वयं या उसके आदेश से किसी अन्य व्यक्ति में पालन करा सकने के लिए कौन अधिकारी इसमें आदेश दे सकता है। जनपद पंचायत में जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा आदेश दे सकते हैं, या अतिरिक्त कलेक्टर, कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन जो अधिकारी होते हैं जिला पंचायत के, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन याद रखिएगा। तो यदि कोई जैसे ग्राम पंचायत या जो जनपद पंचायत जैसे कोई यहाँ पे निर्देश के पालन वगैरह जो भी है सरकार की ये नहीं करती है, तो यहाँ पे जो कार्य स्वयं या उसके आदेश से किसी अन्य व्यक्ति पालन करा सकने के लिए इसका जो मेघ जो अधिकारी होते हैं ये आपके कलेक्टर होते हैं, इनके द्वारा जो यहाँ पे जो अधिकारी होते हैं इनके द्वारा कलेक्टर के द्वारा यहाँ पे जो है पालन करा सकते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद चैप्टर आपका ख़त्म हो, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें इंक्लूड करने की यहाँ पे कोशिश किया हूँ। पंचायती राज व्यवस्था किसका सपना था, जो हम पंचायती राज जो पढ़ते हैं जो चल रही है, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है किसका सपना था लाने का, बलवंत राय मेहता जी, महात्मा गांधी, लॉर्ड रिपन या जवाहरलाल नेहरू या आपका नरसिम्हा राव जी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पंचायती राज जो व्यवस्था है जो लाने का जो सपना किनका था, तो महात्मा गांधी जी का ही आपका सपना है, याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे जो समितियाँ गठन किए गए, जिसको मैं पहले पार्ट में बताया था, यहाँ पे बैक्स करके इसको शॉर्टकट में जैसे याद कर सकते हैं, बी से आपका बलवंत राय मेहता समिति, और ये आपका ए से जो है अशोक मेहता समिति, और आपका जी से आपका डॉक्टर जी वी के राव समिति, और आपका एस से जो है यहाँ पे लक्ष्मी मल, याद रखिए लक्ष्मी सिंह विमल समिति द्वारा यहाँ पे जो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के जो गठित समितियाँ इनके द्वारा यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे जो समितियों की मांग के वजह से यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का आरम्भ किया गया है। तो इसको याद रखिए 2 अक्टूबर सन 1959 को यहाँ पे राजस्थान के नागौर जिले में, यहाँ पे उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ था। बाकी जो है पहला पार्ट में पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है, उसको जाके बढ़िया देखिएगा। तो चलिए, आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं, कल हम यहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसके लगभग 7 पार्ट हो चुके हैं, तो उसको बढ़िया पार्ट वाइज देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। मिलते हैं नए चैप्टर में, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।